फादर, आपने क्योंकि यंग टैलेंट की नाफे की आपने मिसाल दी, हमने कल यंग टैलेंट पे बहुत बात की, मैं साईम अयूब पे थोड़ा हारून साहब आपसे पूछना चाहूँगा एज अ बैट्समैन, यू हैव ऑल्सो बीन अ टेस्ट क्रिकेटर, सो जिस तरह से वो आउट हुए हैं आज, जितना बॉल और बैट में गैप था, और शोएब मलिक इज़ नॉट अ रेगुलर बॉलर, आई अंडरस्टैंड कि एक मैचअप था, ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडेड को बैट बॉलिंग करा रहा है, बट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नहीं था जिस तरह उन्होंने शॉट बॉल मिस किया? पहली चीज़ आप ये देखें कि एक होता यह है कि जब भी कोई नया प्लेयर आता है ना सीन पे, तो वो उसको किसने देखा हुआ नहीं होता। सही, अगर आप देखेंगे कि साईम भी जब आया तो आते ही उसने बड़ी यू नो फ्लैम्बॉयंट किस्म की इनिंग्स खेली, और स्वाशबकलिंग जैसे देखा कि कैरिबियन लीग में यू नो नंबर वन बैटर वो वहाँ से होके आए। लेकिन जब होता है कि दूसरी टीम मैनेजमेंट जब पूरा उनको वे करती हैं कि यार किस जगह ये वीक हैं, किस जगह ये स्ट्रॉन्ग हैं, फास्ट बॉलर वो चाहते हैं, यू नो एज एन ओपनिंग बैट्समैन मैं चाहूँगा कि बॉल जो है मेरे बल्ले पर तेज़ी के साथ आए, सो जहाँ स्लो आएगा बॉल तो वहाँ तो मैं मुझे अपने आप को एडजस्ट करना होगा। और शोएब मलिक की जो एक खास चीज़ ये है कि वो उसका गेंद जो पढ़ के जो अंदर आता है ना, वो क्यों ना वो फिर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग स्पिन के लिए खेलते हैं, बैटर पैड में गैप बनता है और उसको आप हिट मारने जाते हैं, तो इससे ऐसे आउट। और साईम अयूब को हमने देखा है कि हाँ, स्पिनर पे जब भी बॉल अंदर आए ही इज स्ट्रगल्ड। सर एक प्लेयर पे मैं आऊंगा फवाद साहब, आपके हाँ इस पर थोड़ा सा मैं बता दूँ, मैंने शोएब को सुना था साईम के हवाले से, उन्होंने बात की थी टीवी पे, उन्होंने कहा मैं उसे मिड विकेट दिखा रहा था और बॉल मैंने सीधा किया है तभी गैप बना, वो प्लान करके आए थे, प्लान उनका काम। लेकिन सर सवाल तो ये है ना, वो प्लान तो करके आए थे, लेकिन साईम अयूब भी बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, इफ आई नो दैट आई स्ट्रगल ऑन अ सर्टेन बॉल, सो मैं तो वही मेरा कहना है, ये पहले मैच में उसने 40 किए थे, ठीक है, आज दूसरा मैच है। सर पहले मैच में भी कैच ड्रॉप हुआ था, देखो वो तो ड्रॉप हुआ वो हुआ, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि भी स्टार्ट हुआ है, दूसरा ये कि पहले 8-10 रन में आप आउट हो जाते हैं, जो इम्पैक्ट प्लेयर 20 ओवर के होते हैं ना, इस किस्म की चीजें होती हैं, अगर वो पूरी बारी करने लग जाए तो वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन सीखेंगे भी, जो हारून भाई बात कर रहे हैं उनको भी लोगों ने चेक किया होगा, लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है। कायरन पोलार्ड के बारे में बात करते हैं, आपने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि अब वो कोच वाली पोजीशन पे आ गए, लेकिन आज हमने देखा कि व्हाई ही प्लेज इन आईपीएल, मैच खत्म हो गया था जिस वक्त वो आए, जिस वक्त वो आए मैच खत्म हो गया था, आगे पता चलेगा। सही है, आपको नहीं लगता वो अच्छी फॉर्म में है और तगड़े? ठीक है, बस ठीक है, नहीं ही इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर। ऐसा देखिए मसला ये होता है कि आपकी हर टीम में 2 से 3 ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं कि जिनको 2 से 3 ओवर में मैच को 5-7 पलट देते हैं। सही है, तो कैरन पोलार्ड जो है वो भी उसी किस्म के हैं। इवन अगर आप आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मैच की अगर थोड़ी सी अगर बात कर लें, तो वहाँ टिम डेविड ने आके मैच को ख़त्म कर दिया। सो इस किस्म के प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए जो कि नहीं है। दूसरा भी जो बाबर आजम की बात कर रहे थे, उसमें मसला ये कि क्या सिर्फ मिजाज से ही तो नहीं चीज़ें चेंज होंगी ना, आपका स्किल सेट है कि नहीं है, क्या आपके बाजू में इतनी ताकत है कि नहीं है कि अब हर बॉल को जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दें, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू यही है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट को एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो हमारा तो 129 या 130 पे है और वो 160, 170, 180 पे है, इसलिए उनका आप देखें ना 216 पे 216 रन आराम से हो गए वहाँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूँगा, देखें साईम अयूब हो गए होगी, जब तक ये कंटिन्यूड बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे ना, एक अच्छा बैट्समैन हर तीसरी इनिंग में उसको रन्स करने चाहिए, और वो ऐसे रन्स होने चाहिए जो आपकी टीम के जीत का जामिन बने ना। यहाँ सिलसिला ये हो रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से मीडिया कितनी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, बगैर कुछ किए हुए से 1 से 2 इनिंग अच्छी खेल गए, तो आपने उसको अब देखे ना, हम नाफे की बात कर रहे हैं, नाफे ने एक इनिंग खेली अभी यार, अभी तो उसको खेलने तो दो सिवाय T20 के, उसने और कोई क्रिकेट नहीं खेली। हम इसलिए ये बात करते हैं बिकॉज चीफ सिलेक्टर्स से जब आप पूछेंगे कि यार किसी टूर पे आप सीनियर्स को क्यों भेजते हैं, तो वो कहते हैं बाबा यंगस्टर्स नहीं है, सो वी आर एक इनिंग पे तो नहीं लेके जाएंगे ना। Exactly. आप उसको जब देखेंगे कि ये अभी उसको 10 इनिंग मिलेंगी ना, नाफे को 10 इनिंग्स मिलेंगी, तो पता चल जाएगा। आप आजम खान की बात करते हैं, आजम खान को भी तो देखें ना कितना अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। अब हम कल के मैच की तरफ जाते हैं, कराची पे और भी बातें हैं, और कराची पे सबसे पहले एक बात मैं पूछ लूं, फिर मैं जाऊंगा कल के मैच पे। अगर आपको मैच से पहले किसी एक टीम को पिक करना होता पेशावर और कराची में से, आप किसको पिक करते? देखिए मैं एक चीज फील करता हूँ, मैं सेकंड बैटिंग वाले को जरूर पिक करता हूँ, इसलिए कि लाहौर की जो पिच है ना, इट्स गुड फॉर बैटिंग। बट इफ आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिफोर द टॉस, तो फिर नहीं, यही कहते हैं कि सेकंड इनिंग जो बैटिंग कर रही है वो जीत। अगर आप देखो ना ओवरऑल, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या कराची ने सरप्राइज किया, बॉलिंग की वीक नजर आ रही, बट यू थिंक पेशावर वाज अ वीकर साइड, की बॉलिंग वीक नजर आ रही। ऑलराइट, सो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।